हमारे साथ में कुछ युवा है टिहरी के, क्या नाम है सर आपका? मेरा हरीश पोखरियाल है सर। पोखरियाल जी, क्या कारण है आप जो है सड़क के बीच में जो है पेड़ लगा रहे हैं? सर ये सड़क तो चलने लायक तो रही नहीं, वो झोपड़ी अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो यहाँ से वो बेचारा अनबैलेंस हो गया। हो सकता है बारिश का मौसम रहा, उसे गड्ढा ना दिखाऊं, हो सकता है कुछ और अन्य कारण रहा हो, ना हो उसके पास इतनी हाईटेक गाड़ी जिससे उसे आगे दिखाई दे, तो वो जाकर सीधा वहां अंदर जो है उस झोपड़ी के अंदर घुस गया। अगर कोई बड़ी अनहोनी घटना हो सकती थी, अप्रिय घटना हो सकती थी अगर कोई बच्चा वहां पर होता। पेड़ लगा के मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। कुछ लोग जो है, देखिए सड़क है और सड़क की कौन सी दिशा से ऊपर वाले वाहन को आना है, तो यहाँ पर रॉन्ग साइड ये वाहन चलाकर आ रहे हैं। क्या कारण है आपका जो आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं? सर यहाँ पे इधर गड्ढे हो रखे हैं तो हम किधर चलाएं गाड़ी, रॉन्ग साइड ही जाना पड़ेगा हमें तो। और ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो गई, कोई हादसा हो गया, उसका जिम्मेदार खुद शासन होगा। आप खुद देख लो ना, यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं बीच रोड में, तो आदमी तो मामूली सी बात है कि आदमी रॉन्ग साइड जाएगा। बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पर जो है एक वाहन ऊपर से आ रहा था और रॉन्ग साइड चल रहा है, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर जो है ऊपर से वाहन आ रहा है, नीचे से वाहन आ रहा है, और गड्ढा आप जो है साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं गड्ढा कितना बड़ा है। और बिल्कुल सही कहना है वाहन चालकों का कि उनको जो है अपने वाहन को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है। न्यूज़ इंडिया के लिए विकास रतूड़ी।